माधुरी का मुझे कौन सा, हमें कुछ झलकी दिखाएंगी क्या होता था, कैसे माधुरी बनती थी आप? मैं एक्चुअली बड़ी आपने फनी बात कर दी, क्योंकि हम अभी खुदा और मोहब्बत जो कर रहे हैं उसके अंदर सब तंग करना शुरू हो गए कि चंद्रमुखी का रोल जो है ना, ये रोमाना टाइप सा रोल, बिकॉज शी इज़ ऑब्वियसली अ कोर्टिसन प्लेइंग दिस रोल, एंड उसमें मैं और वजाहत हमेशा हर वक्त ना पीछे गाने लगा के देवदास की हम अपनी बातें और ये वो। तो एक दफ़ा वजाहत ने कहा कि आप इतनी बड़ी फ़ैन है माधुरी की, मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं आपको पूरा डायलॉग सुना देती हूँ। तो मैंने पूरा वो एक देवदास की ना एक वो एक मोनोलॉग था जो कि मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, सॉरी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता टॉफी दिखा के कि मैं अंदर से आपको मैं एक चॉकलेट दूंगी, नहीं, दो लाइन्स। बट इट वाज अ फन थिंग, इट वाज आई लाइक इमिटेटिंग एक्टर्स, मुझे मजा आता है। मतलब सारे एक्टर्स बोल के आप खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है, मैं गलती हो गई बोलने से। इसके बाद बोला मुझे आई लाइक इमिटेटिंग, इट वाज, वैसे वो मुझे पता है क्योंकि आप ब्रिटिश एक्सेंट टर्निंग इनटू पंजाबी भी बड़ा अच्छा करती हैं। हां, मुझे एक्सेंट्स का भी शौक है, सीखे हुए हैं चीजें। बट माधुरी की दो लाइन से सुना दें, हमें भी तो ट्रीट कर दें। अच्छा, उसी फिल्म का पूरा मोनोलॉग नहीं कह रही, नहीं नहीं पूरा नहीं बोल, दो से तीन लाइंस। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो हम तवाइफों की जरूरत ही क्या थी, उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। So it's like that. I can't do it right now. नहीं, I know, on I know, camera, पूरा थोड़ी बोल रही हूँ, of course. Yeah, that's all. अच्छा, okay. So films offer कैसे आई, पहले मॉडलिंग, फिर ड्रामे, फिर फिल्म्स, और डिड यू फील एट दैट टाइम कि ये सही टाइम है, मुझे फिल्म में आना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए? या मुझे लगता है मैंने बहुत वेट कर लिया, मुझे उस वक्त आई नहीं, क्योंकि आई वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन आई वॉज एक्चुअली डूइंग अ फिल्म विद साकिब मलिक, एंड दैट गॉट शेल्व्ड राइट 3-4 दिन पहले वो शेल्व हो गई थी, सरमद नहीं लिखी थी वो फिल्म, ओके, एंड सैडली दैट डिडंट हैपन at that time, and then I waited, I went into dramas or drama because mujhe bahut shauk tha films ka us time pe, and then I got married and then I left Pakistan because I was so tired of doing the same dramas. I was like bas ho gaya na, ab kitna aur to kuch inhone karna nahi, ab ye 2012 ki baat kar rahe hain, 2012 ki baat jab aap Pakistan, yeah, when I left Pakistan, because 2012 se 2017 ka gap hai, yeah, 2012 se 2016 tak, 16 tak, so 4 years I wasn't here. I was like, you know what, I'm done with this, mujhe nahi karni, main thak gayi hu, sare ek jaise drama kar diye. जब आप तो बिल्कुल ही डिफरेंट, लाइक आखिरी साल में आई स्टार्टेड मिसिंग इट अ लिटिल एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई कांट टेक दैट आउट नाउ, इट्स इन मी, मेरे अंदर है एक, वो कहते हैं ना कीड़ा है आपके अंदर आपका, यू लाइक एक्टिंग, तो वो वाली चीज थी। एंड देन आई केम बैक एंड मेरीन ऑफर्ड, एक्चुअली आई डिड दिस सॉन्ग फॉर रॉन्ग नंबर जी, वो किया, वो भी बैठे बैठाए आ गया, बिकॉज दे ऑफर्ड मी एंड आई सेड यू नो वी आर ओके फाइन, व्हाई नॉट, कर लेते हैं, देख लेते हैं करके, वो तो थोड़ा वो भी होगा ना, वो काफी वो कमर्शियल था काफी। एंड देन मेरीन जब्बार इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, सो शी वाज डूइंग अ फिल्म इन न्यूयॉर्क एंड शी सेड डू यू वांट टू डू इट, आई सेड या आई वुड लव टू, व्हाई नॉट, इट विल बी फन, एंड दैट कास्ट वाज अ लॉट ऑफ फन, सो एवरीथिंग वाज, इट वर्कड आउट। बच्चे कितने हैं आपके? दो। बेटा बेटी जी, हाउ डू दे रिएक्ट जब वो आपको देखते हैं कि अम्मा इतनी मशहूर मॉडल एक्ट्रेस हैं, कुछ उनका रिएक्ट हिट नहीं करता या वो कुछ कहते हैं? आई थिंक अब वो थोड़े से यूज्ड हो गए, शुरू में उनको लगता था कि मैं कहीं डॉलमन मॉल चली गई या कहीं पे चली गई और दो तीन लोगों ने आके मेरे साथ तस्वीरें खींची, सो माय सन वाज लाइक why are they taking pictures with you, why are they taking pictures with you, ghar ki mohi dal barabar, why, what's wrong mama, why are they taking pictures, I was like, you know what, it's okay, woman, so I was like, are you famous? So he didn't really understand the concept of famous. So maine kaha ke, because mere ghar mein sare Marvel Avengers ke fan hai, and since my kids are also, so main unko batati rehti hu, like, you know, if you Iron Man tumhare samne aa jaye so what will you do, and he's like, okay, so they vaguely understand it now, but ab to bade ho, 10 ab bade ho rahe hain, beta 8 years and daughter 6 ओके तो उनमें से किसी को शौक होता है सेट पे जाने का, कभी आप लेके जाती हैं या कुछ? नहीं, नॉर्मली आई डोंट, तो गर्मी एंड देन इतना हुआ नहीं इत्तेफाक कि मैं उन्हें लेके जाऊं, बट माय डॉटर हैज, आई थिंक आई फील दैट शी हैज सम जरा सी मेरी तरह के, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें है। तो आपकी अम्मी सिंगल मदर है, सो आज मुझे ये इंक्विजिटिवनेस हो रही थी कि हम बहुत चैलेंजेस की बात करते हैं सिंगल मदर्स को, तो पहला तो मुझे ये जानना चाहिए थी कि एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस माशाल्लाह से, अभी आपने मुझे मैंने माउंट एवरेस्ट उन्होंने अभी कब लास्ट ईयर या लास्ट ईयर
so successfully pura. Yeah, so she went to the base camp, not okay. Mount Everest. But didn't do the summit. That's huge. But it was, and at her age, I was, because my mother, I think at the whole adventure part, I get it from my mother. Yeah. So she's like a gypsy at heart. So unko bahut shauk hai duniya phirne ka. Wo akeli jaati hain, wo akela apna trip plan karti hain, mahine mahine ke liye Africa, Europe, different jagahon pe. She loves traveling. So unse I think unki rooh hamare andar kahin na kahin gayi hai, because yeah, she likes doing that. So she went to Mount Everest base camp, aur main aur mera bhai, kya kar rahi hain aap, pagal ho gayi hain, aur aapko pata hai wahan logon ka kya haal ho jata hai, and how can you do this at this age, and hum nahi kar sakte, aap ja rahi hain. She's like, मैं करके दिखाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी और मैं चली गई. और रोल रिवर्स हो रहे हैं ना, जो माँ-बाप करते हैं, बच्चे माँ-बाप के साथ करते हैं. And it was very impressive. I was very impressed. And I was like, मम, आप तो कर लेती हैं, माँ, आप तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा वाओ. आई वाज लाइक ओके, मैंने दो बार पढ़ा कि मैंने सही पढ़ा है. सो ओवरवेलमिंग होता था कि इतनी एम्बिशियस, इतनी यू नो स्ट्रॉन्ग मदर की बेटी होना, प्रेशर होता था कि मुझे भी इन्हीं की तरह होना है, या आपको लगता है कि उसने आपको और पुश किया अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने के लिए और एडवेंचरस होने के लिए? मुझे लगता है उन्होंने उनकी इस चीज़ ने मुझे बहुत पुश किया है. नॉट नेवर गॉटन एनी प्रेशर सॉर्ट ऑफ, बट शी इतनी वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मेरी जिंदगी में, दैट शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड वुमन. तो आई थिंक आई गेट इट फ्रॉम हर. मुझे लगता है उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और बैकिंग हमेशा मुझे रही है उनकी, तो इसलिए इट्स ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल लाइक दैट. हम बहुत बात करते हैं सिंगल मदर्स की कि उनके क्या चैलेंजेस होते हैं. आई एम श्योर योर मदर हैड हर फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ डॉटर, एज अ चाइल्ड जो इस तरह की फैमिली से आया, जिनकी अम्मी को ये चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, आप लोगों के क्या चैलेंजेस होते हैं, आपको क्या फीलिंग्स होती थी, क्या यू विश वर थिंग्स वो चेंज, या किस तरह पर्सनैलिटी पर अफेक्ट होता है, किस तरह उसको डील करते हैं? इसलिए भी पूछूँ, उसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन क्या होगा कि जो बच्चे या जो लड़कियां या जो मदर्स इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, वो आपसे गाइडेंस ले सकें. मदर्स इन द वे कि अपनी बच्चों से कैसे हैंडल करें, यूथ इन द वे कि हाउ टू डील विद अ सिचुएशन लाइक दिस. यू सी, व्हेन माय पेरेंट्स गॉट डिवोर्स्ड, आई वाज वेरी यंग, सो वाज माय ब्रदर. सो ऑब्वियसली हमें उस वक्त इतना पता नहीं चला था. एंड सिंस एज आई सेड कि माय मदर वाज सो स्ट्रांग कि उनको उन्होंने कभी हमारे ऊपर वो चीज़ पढ़ने नहीं दी. प्लस ऑल्सो माई मदर ऑलवेज टोल्ड अस कि यू हैव टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर फादर. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कि जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं. आई वुड एडवाइज वीमेन ऑल्सो कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ जाए और आपको लगे कि आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सो आई थिंक द मैच्योर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप ये ज़रूर करें कि आप उनकी बच्चों की और बाप की रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, इवन अगर आपकी आपस में नहीं है. सो आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट. माय मदर वाज वेरी चिल्ड, सो उन्होंने कभी हमें नहीं रोका और उस तरह नहीं हुआ. एंड हमें हमारे ऊपर कभी वो ऐसे असर पड़ने नहीं दिए, ना ही वो बात कभी हमारी तक पहुंची कि क्या मुश्किलात हैं क्या नहीं है. जैसे जैसे हम बड़े होते रहे, एंड देन वी रियलाइज, ओह माय गॉड मॉम वाओ, दैट वाज क्वाइट अ टफ लाइफ यू हैड. सो आई थिंक दैट्स, बड़े होके जरा हमें थोड़ा पता लगना.